रायबरेली महिला पत्रकार से हुए मामले ने पकड़ा तुल। हिंदू वाहिनी ने अपने लेटर पैड पर हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जहां एक तरफ सूबे की सरकार लगातार नारी मिशन शक्ति अभियान के तहत नारियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावे जनपद रायबरेली में पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले महिला पत्रकार आराधना ने सैनिक हॉस्पिटल की जब सच्चाई दिखाना चाहा तो उनके गुर्गों और हॉस्पिटल संचालक ने महिला पत्रकार से अभद्रता की और मारपीट की। जहां इस पूरे मामले से जनपद के पत्रकारों में आक्रोश देखा गया, सभी पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात महिला पत्रकार से हुई अभद्रता व मारपीट का मामला दिन प्रतिदिन तुल पकड़ लिया। जहां आज हिंदू वाहिनी के जिला महामंत्री मारू त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को अपने लेटर पैड पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई कर गिरफ्तार करने के लिए ज्ञापन सौंपा। फिलहाल हिंदू वाहिनी के जिला महामंत्री ने कहा, अगर हॉस्पिटल संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारा संगठन हॉस्पिटल के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि महिला पत्रकार से जिस तरह से अभद्रता हुई, इस पूरे मामले में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक गंभीर होते हैं या नहीं। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। क्या परिचय है आपका? मारू त्रिपाठी, नई वर्तमान जिला महामंत्री हिंदू वाहिनी। आज आप लोग यहाँ पे आए, इस क्या मामला? के सैनिक हॉस्पिटल में एक महिला पत्रकार आराधना जी, उनके साथ मारपीट की गई, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और अगर ये कोई ये सोच रहा है कि शहर में गुंडाई करेगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है। संगठन का खंडन कर रहा है और उन्होंने अपने बीच बचाव के लिए आराधना जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसी की मांग को लेकर हम कप्तान साहब के पास आए कि इसके निष्पक्ष जांच कराई जाए। और सबसे पहले जब आराधना जी का मुकदमा पंजीकृत किए लगभग 3-4 दिन हो रहा है, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर 48 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं संगठन और सामाजिक लोगों के साथ उसी हॉस्पिटल के सामने आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊंगा। कि जब तक वो सील और जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या आश्वासन मिला आज आप लोग? आश्वासन ये है कि जांच कर दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी की आश्वासन दिया गया है।